कि ऐसा द्वंद होगा, ऐसा द्वंद होगा जो इन पार्टियों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इनके पसीने छुड़ा देंगे इस बार, इनको सपने में भी अरविंद केजरीवाल दिखेगा। अगर दम है, अगर सच्चा काम किए हो तो सामने आओ, खड़े होके खुल्लम खुल्ला बातचीत करते हैं। केजरीवाल को जेल में रख के तुम सकते हो पार्टी तोड़ लो, यार तुम्हारी औकात नहीं है पार्टी तोड़ने की। असली काम अब शुरू हुआ है। 100 दिन बचे हैं चुनाव को। अगले 100 दिन में हम सबको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हम सब जहां पर भी रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, उस गांव में जाकर बताना पड़ेगा कि इस बार बदलाव लाना है, इस बार महाबदलाव लाना है। क्या लाना है इस बार? क्या लाना है इस बार? क्या लाना है इस बार? बदलाव लाना है। कोई नहीं चलेगा छोटा मोटा काम से, कोई टायर चक्का ब्रेक नहीं बदलनी, पूरी की पूरी गाड़ी बदलनी है, और वो गाड़ी अरविंद केजरीवाल बदलेंगे। इन्होंने ये सोचा कि केजरीवाल को जेल में डाल दो, पार्टी टूट जाएगी, इनका बेड़ा गरक हो जाएगा, हम लोग फिर जीत जाएंगे। इनको ये नहीं मालूम है कि आपने एकलव्य के बारे में सुना है? एकलव्य के बारे में, एकलव्य के गुरु सामने नहीं थे, उनकी मूर्ति बना के उनको ध्यान करके जो उन्होंने तपस्या करी उसके सामने बड़े बड़े सूरमा कांपते थे। केजरीवाल जी जेल में बैठे हैं तो कोई बात नहीं, यहां बैठ के उनका ध्यान करके हम सब इनको निस्ते नाबूद करने के लिए पर्याप्त है। मैं आज इनको चुनौती देता हूं। आज मैं एक छोटा आदमी हूं, हम बड़े छोटे ऑर्डिनरी आदमी, हम नेता नहीं है। मैं आज इनको चुनौती देता हूं, मैं आज यहां के जितने बड़े नेता हैं उनको चुनौती देता हूं कि आओ डिस्कस करते, आओ डिबेट करते, आओ स्कूल पे डिबेट करते, आओ अस्पताल पे डिबेट करते, आओ हरियाणा पे बात करते, आओ बेरोजगारी पे बात करते। अगर है हिम्मत, अगर दम है, अगर सच्चा काम किए हो तो सामने आओ, खड़े होके खुल्लम खुल्ला बातचीत करते। भागते क्यों, भागते क्यों? केजरीवाल को जेल में रख के तुम सकते हो पार्टी तोड़ लो, यार तुम्हारी औकात नहीं है पार्टी तोड़ने की। केजरीवाल को इनको लगा कि जेल में डालेंगे पार्टी तोड़, इनको मालूम नहीं है कि अंदर बैठा केजरीवाल बाहर वाले से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है इनके लिए। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं दोस्तों आपको, हमको राजनीति नहीं आती है, गंदी राजनीति नहीं आती है। अपने जीवन में आप सब अलग 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 काम छोड़ के आए हो, आज अब अपने को बीड़ा उठाना पड़ेगा। 100 दिन बचा है, 100 दिन। कल से हम बदलाव जनसंवाद की शुरुआत कर रहे हैं। क्या शुरुआत कर रहे हैं? बदलाव जनसंवाद की। इस बदलाव जनसंवाद में हम एक एक गांव में जाएंगे, हर गांव में बैठेंगे, जनता को बुलाएंगे और जनता से बातचीत करेंगे। हम भाषण नहीं देंगे, हम जनता से पूछेंगे कि आप बताओ आपके लिए जरूरी क्या है, आप बताओ क्या आपके बच्चे को नौकरी मिली, आप बताओ अगर आप किसान को हो तो क्या आपको फायदा मिला, आप बताओ आपको क्या चाहिए, आपकी सरकार कैसी होनी चाहिए, आप बनाओ अपनी सरकार। एक एक गांव में बदलाव के लिए बैठेंगे। और कोई कहेगा जी ये नाली खराब, ये टूटी खराब, ये बड़ा बदलाव चाहिए हरियाणा को। क्या चाहिए? बड़ा बदलाव, आमूल चूल परिवर्तन, पूरे का पूरा। ये नहीं कि कोई दूसरी पार्टी वाले क्या कहते हैं, हां जी फलाने आदमी ने काम नहीं किया, चलो जी कैंडिडेट बदल देते। अरे कैंडिडेट बदलने से काम नहीं चलेगा, कैंडिडेट बदलने से काम नहीं चलेगा, गाड़ी बदलेंगे इस बार। तो गांव में जाएंगे, गांव में बैठेंगे, बदलाव जनसंवाद की शुरुआत करेंगे। 15 दिन बिना आराम किए, बिना रुके, पसीना बहा के एक एक गांव में एक एक आदमी से बात करेंगे। बदलाव जनसंवाद करने के बाद फिर से इकट्ठा होंगे, फिर बातचीत करेंगे। मैं आपको एक चीज गुप्ता जी और सभी लीडरों को और आप सबको एक चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं। देखो अंतिम निर्णय तो ईश्वर करता है, ईश्वर की मर्जी से बड़ा किसी की मर्जी नहीं है।
ईश्वर तय करेंगे। एक चीज की मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा द्वंद होगा, ऐसा द्वंद होगा जो इन पार्टियों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इनके पसीने छुड़ा देंगे इस बार, इनको सपने में भी अरविंद केजरीवाल दिखेगा। इसके लिए मुझे आपके मदद की जरूरत है। मैं अकेले नहीं कर सकता हूं, मेरे सर अकेले अंदर जेल में बैठे हुए हैं, मैं अकेले नहीं कर सकता हूं, मुझे आपके मदद की जरूरत है, मुझे आपके मदद की जरूरत है। अगर आप हरियाणा के सच्चे हितैषी हो, अगर आप हरियाणा के सच्चे भक्त हो, तो यही समय है कि गद्दारों को यहां से भगाने का, यही समय है कि फिर से बदलाव लाने के लिए। मैं आप सबको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि अपने अपने धर्म का पालन करो। कभी किसी के बेटे को देख के वोट दे देते, कभी किसी के पिताजी को देख के वोट दे देते, कभी कहते हैं फलाना उसका दादा इतना बड़ा लीडर था उसको, अरे कभी अपने बच्चे के चेहरे को वोट दे के देख के वोट दे के देखो, देश बदल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कहती थी 400 सीट आएगी, 400 सीट आएगी। केजरीवाल भाई साहब 10 दिन के लिए बाहर आया और 400 सीट को 240 में कर दिया। अगर तो केजरीवाल को बाहर हिम्मत था तो बाहर छोड़ के देखते, है हिम्मत तो छोड़ के देखो शेर को। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।